राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर बन के वही निकलता है। नमस्कार, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस का रीजनिंग चैप्टर। वो सभी रीजनिंग के चैप्टर जो सभी आपके कोर्सेज में आने वाले हैं वो सभी का आज हम लोग निचोड़ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अगले साल परीक्षा में आए हुए थे, जो इस साल आपके पीजी में आने वाले हैं, आपके एमए, एलएलबी, एलएलएम जो होता है, बीएड होता है। तो रीजनिंग के जितने भी कोर्सेज हैं जिसमें भी आपके एंट्रेंस में रीजनिंग आती है उन सब में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इलाहाबाद टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम लोग हल करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। इसमें आपके क्वेश्चन हैं आज डाइस के हैं और आपके क्लॉक वाले हैं और आपके वेन डायग्राम हैं और आपका ब्लड लेसन है। तो कई चैप्टर का आज हम लोग निचोड़ पढ़ेंगे और सवाल को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों में दर्शाया गया है। जैसे लूडो होता है, लूडो में छः होती हैं संख्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6। तो जब लूडो की गोटी हम दो पासों को उछालते हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है। जब कुछ भी आ सकता है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसमें हमको देखना होता है कि हमारा क्या क्या मैच कर रहा है। तो एक और एक हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो एक और एक को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तो क्लॉक वाइज चलते हैं या तो एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, यानी तो ऐसे चलेंगे या तो ऐसे चलेंगे, केवल एक ही क्रम पे चलते हैं। तो हम अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग को भी हम एक ही क्रम सिखाएंगे, तो आप लोग ऐसे चलिएगा, ठीक है। तो एक और एक हमारा सेम रहेगा। अब उसके बाद 5 है ना, अब 5 के इस विपरीत इसमें क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 आएगा। अब 5 के विपरीत इसमें क्या है, 3 है, और 4 के विपरीत इसमें क्या है, 2 है। तो यानी 3 और 2, और 4 इसने पूछा है 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब हमारा बी ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इस पर देखिए कौन सा अंक हमारा मैच कर रहा है, यानी कौन सा दोनों पासों में सेम आया हुआ है। तो देखिएगा इसमें से आपको देखिएगा यहाँ पे 5 दोनों में सेम है। अब क्लॉक वाइज चलेंगे तो यानी 5 का 5 रख देंगे, 5 के बाद 1 है तो 1 का यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 का यानी 4। अब 4 के विपरीत हमारा कौन सा अंक है, 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे एक पासों के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसमें कौन सा अंक सेम है, 3 और 3, 3 और 3 जो है आपका दोनों में आया हुआ है, तो 3 और 3 को हम जैसे कर लेंगे। अब क्लॉक वाइज चलेंगे यानी 5, क्लॉक वाइज चलेंगे यानी 2, फिर 1, फिर 4। इसमें क्या पूछा है, 6 के विपरीत कौन सा अंक है। तो देखिए 1 4 2 3 3 है, तो 3 के विपरीत हमारा क्या होगा, 6 होगा, तो 6 के विपरीत हमारा क्या होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इसमें 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए 4 हमारा है तो इसमें से क्या सेम मिल रहा है हमारा, देखिए इसमें से हमारा सेम है, इसमें से क्या सेम मिल रहा है हमारा। अब देखिए इसमें से 4 के विपरीत है, तो देखिए हमारा 2 और 2 सेम मिल रहा है, तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो 2 को निकाल लेंगे, 3 यानी 6, और इसके बाद 5 यानी 1, यानी 4 इसके आएगा, क्योंकि पूरी संख्या में 4 और 2 का बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक हो जाएगा, 2। अब पूछ रहा है हमसे, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 4 के फिर फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए इसमें कौन सा संख्या हमारी मैच कर रही है, इसमें मैच कर रही है 2 और 2, यानी 3, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 1, यानी 2 का विपरीत अंक हमारा हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन घुमा के आया है। अब देखिए अभी तक हम देख रहे थे केवल एक एक संख्या मैच कर रही है, अब 2-2 संख्या मैच कर रही है, 3 और 4 दोनों में सेम आ गया हमारा। जब सेम आ जाता है तो हम क्या करते हैं,
कुछ नहीं करते, परेशान नहीं होना है आपको। दो और दो और पाँच को हम लोग अलग कर लेंगे। अब एक से निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, आपको सिखाते हैं। एक के अभी हम निकालेंगे उसका छः का, छः का होगा हमारा चार और तीन, पाँच का होगा, एक का होगा हमारा चार अपॉन तीन, और चार का होगा हमारा छः अपॉन एक, और तीन का होगा हमारा छः अपॉन एक। यानी फलक पाँच का छः का क्या बन जाएगा, चार अपॉन तीन, पाँच का चार अपॉन तीन, एक का चार का। हमसे क्या पूछा है, छः का पीट कौन सा अंक है, तो छः का पीट हमारा कौन सा अंक है, चार अपॉन तीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे वही बोल रहा है कि इसमें दो अंक सेम है, इसमें भी हमारा सेम है दो और एक, तो तीन और चार को हम लोग अलग कर लेते हैं। अब निकालते हैं हम लोग पहले निकालते हैं हम दो का, तो दो का निकालेंगे तो हमारा आएगा चार के फलक में क्या आएगा, पाँच अपॉन छः। अब एक का निकालते हैं, एक का आएगा पाँच अपॉन छः। अब पाँच का निकालते हैं तो पाँच का आएगा दो अपॉन एक, और अब निकालते हैं छः का दो अपॉन एक, इसमें क्या पूछा है, पाँच के फिर तो दो अपॉन एक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों फलकों में मिला के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का। अब ब्लड रिलेशन को हम लोग हल करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है हमसे ब्लड रिलेशन में। हमसे कह रहा है एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, उसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। एक फ़ोटो हम मान के चलते हैं, फ़ोटो हमारी क्या हो गई, फ़ोटो हमारी हो गई ये हमारी एक फ़ोटो हो गई जिसमें आप अच्छे से दिख रहे हैं। इसमें ये हमारी जो फोटो, अभी जो हमारी फ़ोटो है उसमें पूछ रहा है दिनेश, यानी दिनेश ये हो गया आपका, दिनेश एक इशारा करते हुए पूछ रहा है कि वो अब मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। दिनेश जो है अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी वो पुत्र मतलब प्लस में है, तो वो प्लस है, दिनेश फोटो है, तब फोटो है तो वो किसकी फ़ोटो है, तो दिनेश जो है इकलौते पुत्र है, तो यानी वो क्या है, दिनेश का बेटा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। हमसे कह रहा है ए और बी भाई हैं, क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं और सी और डी बहनें हैं। ए डी का भाई है, बी सी किस प्रकार से संबंधित है, तब देखिए इसको समझिए। ए और बी जो है हमारे क्या है, भाई हैं, तो यानी ए और बी हमारा क्या है, भाई है। अब सी डी से कुछ मालूम नहीं चल रहा, तो अब ए डी का बेटा है, तो यानी ए जो है डी का बेटा है और ए बी का भाई है, सी डी की बहनें हैं, तो हमारा क्या बनेगा इसका, एक मिनट रुकिएगा आप। ए बी भाई हैं हमारे, ए और बी का भाई है, यानी ए और बी का जो है वो हमारा भाई है, तो हमारा क्या आएगा, ए बी का भाई है और सी डी की बहनें हैं, यानी ए का बेटा डी है, यानी ए का बेटा क्या है हमारा, डी है और सी की बहनें हैं, ये हमारा बन जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है बी सी से किस प्रकार संबंध है, यानी उसके अंकल लगेंगे, तो यानी मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है यानी ए के पिता सी, ए सी के पिता है और डी बी का बेटा है, तो ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहनें हैं तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, आपका जो बनेगा वो बनेगा ए और सी के पिता हैं, यानी ए का पिता जो है वो सी है और ई का जो है वो आपका, एक सेकंड देखिए फिर से, अब देखिए ए का जो है, ए के पिता जो हैं वो हैं सी। अब डी बी को कुछ पन नहीं था, ई ए का भाई है, क्या कह रहा है,
ई जो है ए का भाई है, यानी ये प्लस और ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस में। अब सी डी की बहनें यानी ए हो जाएगा। अब हमसे पूछा है बी, यानी बेटा है तो उसकी बीवी भी होगी, यानी बी हमारा ये बी बीवी हो जाएगी। हमसे पूछा है बी और ई से किस प्रकार संबंध है, यानी भाभी लगेगी उसकी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। आइए अब वेन डायग्राम को हल करते हैं। वेन डायग्राम में हमसे पूछा है यानी परिवार पुत्र और पुत्री को दर्शाता है। देखो परिवार होगा उसके अंदर पुत्र और पुत्री भी आएंगे, तो यानी हमारा एक परिवार है उसके अंदर पुत्र और पुत्री आएंगे, तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं नहीं आपका जो बनेगा ऐसा बनेगा, यानी खुला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। हमसे कह रहा है एक कमीज, बेडशीट और तौलिया। अब देखिए कमीज जो होती है, बेडशीट जो होती है, तौलिया जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि कमीज का उपयोग हम लोग अलग करते हैं पहनने में, बेडशीट का उपयोग हम लोग करते हैं अपने उसके में जब सोते हैं तब लोग उसको बिछाते हैं, और तौलिया का उपयोग हम लोग करते हैं नहाते समय। तो हम लोग की तीनों चीज़ जो हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी हम लोग की कंबाइंड बिल्कुल नहीं होंगी, कंबाइंड बिल्कुल नहीं होंगी, कंबाइंड इसके अंदर नहीं होंगी, पूरा अलग होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा चित्र स्तनधारी गाय और कौवे को दर्शाता है। तो स्तनधारी है वो अलग हो जाएगा हमारा, और गाय और कौवे ऐसा हो जाएगा हमारा, तो यानी गाय और कौवे का जो ऐसा बनेगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक रहेगा। अब हमसे कह रहा है निम्न में कौन सा चित्र विज्ञान गणित और को संबंध दर्शाता है। यानी देखो विषय है हमारा, विषय जब भी बनेगा हमारा तो उसके हिसाब से बनता है, तो विषय जो होता है हमारा तो एक डायग्राम होता है, यानी विषय हो गया तो गणित हो गया और जीव विज्ञान हो गया, तो ऑप्शन नंबर चार होगा क्योंकि इसके अंदर नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है मिनट दिन और महीने को संबंध में दर्शाइए, यानी मिनट्स डेज एंड मंथ्स। और जो मिनट डे मंथ्स होते हैं वो एक के अंदर एक होते हैं, ऐसे एक घड़ी है यहाँ पे सुई होगी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, तो उसके अंदर ही सब चीज़ होंगी ना, तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमसे कह रहा है चावल गेहूँ और अनाज में क्या संबंध हो सकता है। देखो अनाज है, जब हमारा अनाज है उसके अंदर चावल और गेहूँ भी आएगा, तो यानी ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चावल और गेहूँ जो होता है वो अनाज के अंदर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अविवाहित शिक्षक और पिता के संबंध को दर्शाता है। देखो शिक्षक जो होता है, शिक्षक भी है, अविवाहित भी है और पिता भी, यानी तीनों एक ही इंसान हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। अब हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चित्र कागज नोटबुक और लेखन सामग्री के बीच को संबंध को दर्शाता है। तो देखिए जो हमारा है एक कागज है, एक नोटबुक है और एक लेखन सामग्री है, यानी उसके अंदर आता है, उसके बाहर नहीं आता है, तो तीनों चीज़ हमारी क्या होंगी, नोटबुक कागज़ लेखन सामग्री, यानी तीनों अंदर ही होंगी, तो ये बाहर है, ये भी बाहर है, ये थोड़ा सा है लेकिन ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा ज़्यादा ठीक रहेगा। हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र डिग्री वाले बीए के विद्यार्थी तथा बीएससी को दर्शाता है। तो देखिए एक चित्र है आपका, मान के चलते हैं ये चित्र आपका हो गया, इसमें से विद्यार्थी हैं बीए वाले और बीएससी वाले। अब डिग्री तो एक ही होगी ना हमारी, उसमें बीए और बीएससी लिखा होगा, तो इस प्रकार का चित्र बनेगा हमारा, तो ये तो खुला है, ये भी खुला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टाइमिंग के बारे में, और टाइमिंग क्या होती है आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका हमारा एक सूत्र होता है, और सूत्र हम लोग ऐसे लगाते हैं 60 आवर माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2, इसको याद कर लीजिएगा, इसी के सूत्र से हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। हमसे कह रहा है किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं,
तो बताइए घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तब देखिए हम लोग के पास क्या कह रहा है हमसे कि 9, तो यानी हमारा 11 × 9। अब हमारे से क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, 60 × H − 11 × M / 2। इस सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए, इसी सूत्र से हम लोग आंसर निकालेंगे। तब 60 × 9 − 11 × 45/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 540 − 295 / 2। अब 2 जब हमारा आएगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कट पिट के हमारा आएगा 22। यानी 22 तो आंसर में है नहीं, 110 से 75 पे 195 पे, तो इसमें आएगा नाउन ऑफ दिस। इस तो उससे हम लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमसे कह रहा है किसी घड़ी में 5:20 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए तो हमारा सूत्र क्या है, सूत्र पर लगाएंगे 60 − 5 × 11 × 20। आप लिख देते हैं, आपको 60 × 5 − 11 × 20 / 2। अब हमारा क्या आएगा, 300 − 200 / 2 बराबर हमारा आ जाएगा 40 आंसर। तो 40 भी इसमें नहीं है, तो इसमें नॉन ऑफ डीस होगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हमसे कह रहा है किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी 5:10 हमसे कह रहा है, 5:10। तब इसमें हमारा कौन सा आंसर लगेगा, देखिएगा, फिर से हम लगाएंगे 11। सूत्र याद रखिएगा, सूत्र क्या होता है, 60 × H − × M / 2। यही सूत्र से सारा आंसर निकालना है हम लोग को, ठीक है। सूत्र याद रखिएगा, 60 मतलब हवा मतलब घंटा, M मतलब मिनट, मानी वो, तो यानी और ये घंटा होता है, ये मिनट होता है, ठीक है। तो एक घड़ी से हमसे क्या बोल रहा है, 5:10 बनाती है, 10 मिनट बचाती है। तो सूत्र क्या लगाएंगे हम, सूत्र लगाएंगे 60 × 5 − 11 × 10/2। तो हमारा क्या आएगा, आएगा हमारा 300 − 110/2। तो हमारा कितना आएगा, 190/2। तो 2 × 18 यानी 95 आएगा, 95 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, 95 ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है, हमसे कह रहा है किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, तो घड़ी की दोनों मध्य की सुइयां क्या होंगी। अब आपको सूत्र याद हो गया होगा, अगर नहीं हो रहा तो एक बार मैं और लिखता हूँ। सूत्र होता है हमारा 60 × H − 11 / 2। इस सूत्र से ही सारा हमारा इसमें क्लॉक का आंसर निकलता है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, किसी घड़ी में 9:30 यानी 60 × 9 − 11 × 30/2। अब हम लोग हल करेंगे तो 6 × 54 यानी 540 −11 × 33 यानी 330/2। हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें से आएगा 210। तो 210/2, तो 2 को हम निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा 105 ऑप्शन पर दिया हुआ यानी बी, यानी हमारा हो जाएगा बी नंबर ठीक। अब ध्यान रखिएगा, सूत्र सारे जो होते हैं वो इसी से निकलते हैं। तो अभी हमने आपको सवाल पढ़ा दिए क्लॉक के, वेन डायग्राम के, ब्लड रिलेशन के और डाइस के, ये जो 4 टॉपिक आप हमने एक साथ लिए हैं तो आपकी परीक्षा पास में आ रही है, इसलिए हमने आपका वन शॉट वीडियो दे दिया है। अब वन शॉट वीडियो एक बार और लेंगे 25 का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट
और मिसिंग नंबर तथा रिलेशनशिप मतलब डेट में कुछ और होती हुए टॉपिक उसको पढ़ेंगे और रैंकिंग पढ़ेंगे। इसी के हिसाब से आपके पूरे क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके जो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। अब आपको ध्यान रखिएगा, इस सोच को याद रखिएगा क्योंकि सोच मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे डाइस के, डाइस में कि दोनों चीज़ को पकड़नी होती है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपने ये सोच याद नहीं किया 60 × H - 11 × M/2 तो आप फिर इसको नहीं कर पाएंगे। ये सूत्र होता है, सूत्र मतलब उसके कोणों के बीच कितनी दूरियाँ हैं, कितना बनेगा, ये सूत्र से पूरा आंसर निकलता है हमारा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ध्यान रखिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। साथ में आप इसको पढ़ लीजिएगा जो आपको हमने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट। इसमें जो हमारा होता है दो प्रकार के होते हैं, इसमें से हमको पकड़ना होता है कि इसमें से कौन सा नंबर हमारा सेम है, तो सेम के बाद हम लोग क्लॉक वाइज चलते हैं। इसको भी देख लीजिएगा। बाकी इतना कंप्लीट करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अब आपके एग्ज़ाम के समय नज़दीक आता जा रहा है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।